सच, साहस, सरोकार। एक दिन एक चाबी प्रधानमंत्री बनेगी AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। एबीजी शिपयार्ड ने देश के 28 बैंकों को लगाया 22,000 करोड़ से ज्यादा का चूना, अब तक 8 गिरफ्तार। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी सरकार आई तो 200 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग ने दी पदयात्रा की इजाजत। आईपीएल ऑक्शन का आज दूसरा और अंतिम दिन। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए जनता का समर्थन मांगा। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आगे ओम गोपाल रावत ने कहा कि ये पार्टी धर्म और जाति के नाम पर समाज को आपस में लड़ाने और सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम करती है। इतना साल मिला करके कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है और विकास यहाँ का अवरुद्ध हुआ है। अगर विकास हुआ है चंद चमचों का हुआ है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है। कोई साड़ी बांटे, कोई शराब बांटे, कोई नोट बांटे, लेकिन अंतर मन से सब लोग हाथ के निशान, पंजे के निशान पर वोट दे करके ओम गोपाल रावत को विजय बनाने वाले हैं। टोटल 15 साल जिन्होंने यहाँ पर शासन किया है, उनके तो कार्यकलापों से सब लोग अवगत हैं, किन किन का भला वो करते हैं, किन को कौन कौन लोग उनके साथ चलते हैं और कौन कौन लोग यहाँ के जो हैं उनके नुमाइंदे बने हुए हैं। अगर यहाँ के जो इनके 4-5 लोग यहाँ नरेंद्र नगर विधानसभा में बैठा रखा, अगर इन्होंने नहीं कहा कि यहाँ की आम जनता को जो है वो मिलने भी जाएंगे सुबोध उनियाल जी, अगर उन जो उनके वो गुर्गे हैं अगर वो नहीं चाहेंगे तो अपने प्रतिनिधि से तक मिल नहीं सकते हैं। ये जनता अब समझ चुकी है और जनता ने खुद मन भी बना दिया है परिवर्तन का। विधानसभा चुनावों को सफल बनाने के लिए गौरल जौर मैदान चंपावत में प्रेक्षक और जिलाधिकारी की उपस्थिति में जनपद के बूथों के लिए 38 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इन 38 पोलिंग पार्टियों में से 20 पार्टियां विधानसभा क्षेत्र 54 लोहाघाट की और 18 पार्टियां 55 चंपावत की हैं। पार्टी मूव कर रही है, 6 पार्टी हमारी कल जाएगी, जो पार्टी आज जा रही है शाम को अपने बूथ पर पहुंचेगी, इस समय भी पहुंचेगी, उसके बाद वहीं पर विश्राम करेगी, उसके बाद परसों पोलिंग वहीं पर। उत्तराखंड में कोरोना के 447 नए मामले मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। ये मरीज दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय और एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 20,768 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 20,321 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में सबसे अधिक 193 लोग संक्रमित मिले हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां बसपा प्रत्याशी शीशपाल के रोड शो के आयोजन में बसपा के झंडे उतार कर सड़क के किनारे फेंक दिए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर सुरेश राठौर जिंदाबाद के नारेबाजी की गई। नारेबाजी का ये मामला सामने आया है, जहां पे एक पार्टी का झंडा हटाकर बसपा का झंडा उतार कर सड़क किनारे फेंकना और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर सुरेश राठौर के समर्थन में और जिंदाबाद के नारेबाजी की ये मामला सामने आया है। तो केवल इतना कहूंगा, लोगों के दिलों में सुरेश राठौर को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कमल के फूल को लेकर जो उत्साह है, उसमें मैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने भीड़ के अंदर भी मेरे नारे लगाए और अपना मंतव्य दिल खोलकर बताया। ऐसे कार्यकर्ता का हम बहुत
सहसपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर की धर्मपत्नी भी भाजपा प्रत्याशी जीत के लिए क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से मेहनत करती हुई नजर आ रही है। क्षेत्र की जनता का भी उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं जितने भी ग्राम सभाओं में जा रही हूँ, महिलाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरा सैलाब टूट रहा है। जितनी भी ग्राम सभाओं में जा रही हूँ, सारी महिलाएं ज़्यादातर मेरे ही साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, जितनी भी योजनाएं निकली हैं सब उनके पास तक पहुँच रही हैं। तो कई लोगों के पास जैसे नहीं पहुँच पाई हैं तो वो मुझे बता रहे हैं, तो मैंने उन चीज़ों को नोट किया है और उन जो भी समस्या है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की। मेरा तो यही कहना है, हमारे विधायक जी आए और भाजपा को ही हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाजपा ने सबके लिए बहुत अच्छा किया है और बहुत कार्य ऐसे किया है जो कांग्रेस के राज में हमें नई सुविधा मिली। भाजपा के राज में राशन फ्री और सिलेंडर फ्री, बहुत कुछ ऐसी सुविधा है जो हमें कांग्रेस से नहीं लाभ मिला। और मैं तो यही कहूंगी कि हमारी सरकार आए, हमारा सहदेव सिंह पुंडीर जी आए, और जो ये कांग्रेस की जो सरकार थी तो इसमें दो काम ऐसे हुए जो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, विधायक वो रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने क्या किया, जाते जाते मतलब दो मियां बीबी को पेंशन मिलती थी बुजुर्गों की, उनकी एक की कर दी, जो बुजुर्गों को आंगनवाड़ी में राशन मिलता। पौड़ी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से पोलिंग पार्टी रवाना की। स्थल कंडोलिया मैदान में माइक्रो ऑब्जर्वर कक्ष सहित विधानसभाओं के ईवीएम पक्षों का निरीक्षण किया गया है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त आरओ को निर्देशित किया कि पोलिंग पार्टियों को वितरित की जा रही ईवीएम मशीनों का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर समस्त पोलिंग पार्टियों को पूरी सामग्री के साथ रवाना किया गया। कंडोलिया फील्ड में पौड़ी विधानसभा, शिवरी विधानसभा और चुपट्टाखल विधानसभा की पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है और हमारा कोटद्वार डिग्री कॉलेज से कोटद्वार विधानसभा, लहसुन विधानसभा और एमपीसी विधानसभा उनकी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। वहाँ के सभी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर भी सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है, साथ में उनके जो ड्यूटी ऑर्डर्स हैं वो रिसीव किया जा रहा है। हमारी सारी व्यवस्था के दौरान उनको खान पान व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि मतदान के दिवस से पहले जो पोलिंग पार्टी रवाना होती है, पोलिंग का जो मतदान केंद्र होता है, मतदान स्थल होता है, वहीं पर जाकर मास्क करेंगे। साथ साथ में जो भी व्यवस्था है वहाँ पर उनको आरोप कॉन्टैक्ट नंबर, सेंटर ऑफिसर कॉन्टैक्ट नंबर सूचित कर दिया गया, जिससे लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा। किसी भी लक्सर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने जीत का दावा किया। वहीं अंतरिक्ष सैनी को फतेहगांव में लड़ से तोलकर उनका स्वागत किया गया और फतवा गांव के लोगों ने कहा कि वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से रहे भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है। आने वाली 14 फरवरी को पंजे के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस को सफल बनाएंगे। डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने कहा कि जनता सब जान चुकी है, इसलिए वो बदलाव चाहती है। कि सब समाज के लोगों ने लड्डू से तोलने का काम किया और मैं इनकी भावनाओं से इतना संवेदनशील हो गया कि भाई मुझे इतने व्यस्त कार्यक्रम में इनके लोगों को ठुकराना नहीं था और मैं यहाँ पर आया हूँ और पूरी विधानसभा में इसी प्रकार पूरा माहौल है, संवेदनशीलता है और इसके लिए मैं इन सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। काश तो प्रभावित हो गई, जो व्यक्ति अपना स्वयं का विकास करेगा तो क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएगा, और हम ये आश्वासन ही दे सकते हैं क्योंकि अभी तो जैसे आप हैं ऐसा ही मैं हूँ, जब अगर यहाँ की जनता हमें ये ताकत देगी। लक्सर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने दावा किया कि हरिद्वार विधानसभा की 11 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रदेश महामंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हरिद्वार की 11 विधानसभा सीट वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगी। सबसे पहले वो स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करेंगे, जिससे कि स्वस्थ रहकर शिक्षा ग्रहण की जा सके। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आज हम मौजूद हैं विधानसभा लक्सर में और हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी से प्रदेश महामंत्री राजू जी। सर, आपकी पार्टी उत्तराखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कैसी स्थिति है?
देखिए यहाँ हम 11 सीटों पर लड़ रहे हैं, 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और 11-11 सीटें इस उत्तराखंड की मीडिया भी जानती है और जनता भी जानती है, और इतनी मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे अपनी उत्तराखंड के अंदर। ये भीम आर्मी का वादा है जनता से, और भीम आर्मी के साथ अपने वादों पर खरे उतरेगी, जितने हम वादा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे, और आज तक खरे उतरता है। अगर कोई मामला समाज का होता है या किसी भी व्यक्ति का होगा, किसी भी समाज का होता है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं समय से, और समय से पहुँचकर पुलिस नहीं पहुँचती जब तक भीम आर्मी पहुँच जाती है, और अपना समय से काम करती है, ईमानदारी के साथ काम करती है, और जो व्यक्ति किसी पर मतलब जुर्म करता है उसे न्याय दिलाने का काम करती है। आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प है उत्तराखंड के अंदर, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? देखिए सबसे जो अहम बात वो ये है, शिक्षा फ्री होगी, शिक्षा के बाद चिकित्सा फ्री होगी, और जब दोनों चीज़ फ्री होगी, जब आदमी चिकित्सा से ठीक होगा, मतलब सही होगा तो काम भी करेगा, और शिक्षा फ्री होगी तो ज्ञानी होगा, और ज्ञानी होगा तो समाज को चलाने का और समाज के बीच में काम करने का और सरकार चलाने का उसके अंदर हुनर होगा, और जब होगा, जब उसके पास शिक्षा होगी, हम सबसे पहले शिक्षा ही फ्री करेंगे, और चाहे हमारे पास बाद में होगा कार्य, लेकिन पहले शिक्षा फ्री करेंगे। आपकी पार्टी से लक्सर विधानसभा से हाजी तस्लीम जी चुनाव मैदान में हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हाजी तस्लीम जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और आजाद समाज पार्टी ने उन्होंने अपना कैंडिडेट चुना, और कैंडिडेट चुनने के बाद पूरी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ तट पर खड़े हैं, और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हाजी तस्लीम साहब का ऐसा चरित्र, उन्होंने पूर्व दो बार के विधायक हैं, और उन्होंने अपना समय 10 साल का ऐसा निकाला कोई आदमी उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकता, वो बहुत साथ छवि का आदमी है, और वो बहुत मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हें इसी बार सफलता मिलेगी, ये जनता का वादा है। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी से प्रदेश महामंत्री राजू जी, जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार आजाद समाज पार्टी पूरे जोरों थोरों से मैदान में है और जीत प्रबल होगी। लक्सर से प्राइम टीवी के लिए रजनी सैनी आज हम मौजूद हैं विधानसभा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।